पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर भारत के चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है और आप सभी को मालूम ही है कि कल भारत के इसरो ने चंद्रमा की सतह पर इतिहास रच दिया है और भारत पहला देश बना है जो कि अपने मून मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उतार चुका है। अब आप सभी को बता दूं कि भारत की सफलता से दुनिया के कई देश प्रसन्न है, परंतु कुछ देशों को भारत की इस कामयाबी से जलन भी हो रही है। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि भारत की चंद्रयान 3 की सफलता के ऊपर पूरी दुनिया के दूसरे देशों का रिएक्शन क्या रहा और इसमें हम टर्की का रिएक्शन भी देखने वाले हैं। दरअसल सबसे पहले आप सभी को मैं व्लादिमीर पुतिन का रिएक्शन दिखाने वाला हूं, क्योंकि रशिया का लूना 25 अभी हाल ही में चांद के ऊपर क्रैश हो गया था और भारत के चंद्रयान 3 को बधाई देते हुए पुतिन ने लिखा कि भारत को बहुत बहुत बधाई हो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए और यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत का एक बहुत बड़ा कदम है, साथ में भारत की बढ़ती हुई अंतरिक्ष के अंतर प्रगति को दिखाता है और मेरी ओर से इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दे दीजिएगा। वहीं पर हमारे मित्र इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री जी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भारत को बधाई दी गई और यही नहीं, इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं एली कोहेन जी, उन्होंने भी भारतीय इसरो को बधाई दी। साथ में इजराइल के जो अम्बेसडर हैं भारत के अंदर नाउर गिलोन, उन्होंने भी भारत को बधाई दी। और इसके ऊपर अभी आप आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशियान, उनका ट्वीट देख रहे हो जिन्होंने भारत के चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर भारतीय इसरो को बधाई दी। अब बात करते हैं टर्की की, तो टर्की के जो राजदूत हैं भारत के अंदर जिनका नाम है फिरत सुनेल, उन्होंने भारत को बधाई दी। अब भले ही टर्की के जो राष्ट्रपति हैं या फिर उनके कोई मंत्रिमंडल का सदस्य, उन्होंने भारत के चंद्रयान 3 पर बधाई ना दी हो, परंतु टर्की के जो ऑफिशियल भारत के अंदर हैं वो तो भारत को बधाई दे रहे हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।